तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरी नई ट्रैवल सीरीज किलोमीटर की पहली वीडियो में। अगर आपने किलोमीटर का ट्रेलर नहीं देखा अभी तक तो आप मेरे चैनल पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या सामान हम कैरी कर रहे हैं हमारी लॉन्ग राइड के लिए। तो ज़्यादा बकवास नहीं करूंगा, डायरेक्ट सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सामान हम लेके जाने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसको हमने चार हिस्सों में बांटा है। पहला तो हो गया राइडिंग, जिसमें मैं आपको राइडिंग से रिलेटेड सारा सामान बताने वाला हूँ। दूसरा हो गया अकोमोडेशन, तीसरा हो गया कुकिंग, और बाकी जो कैमरा वगैरह वो सब मैं आपको कैमरा वाले सेक्शन में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम राइडिंग का सामान बताकर। तो राइडिंग की बात करो तो बहुत सारे सेफ्टी गियर्स ले जाने पड़ रहे हैं इस बार, क्योंकि लॉन्ग राइड है, इंदौर से 500 किलोमीटर की राइड है, तो इसलिए डिटेल में आपको हर चीज़ बताता हूँ मैं। तो राइडिंग में हम सबसे पहले हमारे आउटफिट की बात करते हैं। तो मैं राइडिंग में पहनने वाला हूँ, ये टी है, ये जॉगर है, दोनों फ्लेक्सिबल है, मैं कर चुका हूँ इसमें राइड, प्लस ये विंड चीटर है। क्या बहुत जरूरी लंबी राइड है तो ये बहुत हवा लगती है राइडिंग के वक्त। प्रॉपर अभी लेदर जैकेट तो नहीं। और मेरी बात करूँ तो मैंने ये टी शर्ट ली है, फुटबॉल की है बेसिकली है, पर राइडिंग के वक्त अच्छा स्किनी फिट रहेगा तो ज़्यादा पसीना वसीना आएगा तो दिक्कत नहीं होगी। और ये जो ट्रैक पैंट है केचुआ का, ट्रैकिंग पे नहीं जा रहा हूँ पर ये मुझे अच्छा कंफर्टेबल रहता है, मैं पहले भी पहन चुका हूँ इसे, बहुत सारे ट्रैक पर देखा ही होगा आपने, तो मैं ये वाला ट्रैक पैंट लेके जा रहा हूँ। और एक और चीज़, तो जैकेट में जो पहनने वाला हूँ राइडिंग के वक्त वो ये वाली रॉयल इनफील्ड की बेसिक जो जैकेट आती है, इसमें यहाँ पर प्रोटेक्शन है, यहाँ पर पीछे भी प्रोटेक्शन है दोनों हाथों पर है, तो और ब्रीथेबल भी है, तो बढ़िया रहेगी राइडिंग के वक्त। तो सेफ्टी इज़ अवर नंबर वन प्रायोरिटी इस ट्रिप पर, इसलिए हम पूरी सेफ्टी के साथ जा रहे हैं। अब हो गए राइडिंग ग्लव्स की बात, तो राइडिंग ग्लव्स भी मैं कल ही लेके आया हूँ ये वाले, अभी तक मेरे पास राइडिंग ग्लव्स ही नहीं थे, तो ये रॉयल इनफील्ड के मैंने ले लिए हैं राइडिंग ग्लव्स। फिटिंग वगैरह बढ़िया है इनकी, और इससे मोबाइल भी टच हो जाता है जो कि बहुत ज़रूरी है अपने लिए। और ऋषि पाजी भी प्रो बाइकर के बहुत ज़्यादा फेमस ग्लव्स हैं ये वाले, आपको पता ही होगा प्रो बाइकर के बहुत दिखते हैं वाले, तो ऋषि पाजी ने भी राइडिंग ग्लव्स ले लिया। और अच्छी बात ये कि दोनों में नकल प्रोटेक्शन है, ये देख सकते हो आप, जो कि एक्सीडेंट होना तो नहीं चाहिए पर अच्छे रहते हैं। हाँ मतलब प्रोटेक्शन तो प्रोटेक्शन ये चीज सोच के कौन ही चलता है। अब अगली बात करूँ तो राइडिंग आउटफिट हो गया, राइडिंग जैकेट और विंड शीटर हमने दिखा दिया, अब बारी आती है हेलमेट की, जो कि दोनों के पास पहले से ही थे, और ऋषि पाजी का तो एकदम सेक्सी हेलमेट लगा मुझे, तो अब वो दिखाते हैं हम लोग। तो ऋषि पाजी सबसे पहले आपका हेलमेट दिखाओ। ये हेलमेट शायद आप लोगों ने देखा होगा लास्ट व्लॉग में, बट उसमें टिंटेड वाइजर लगा रखा था, बट अभी लॉन्ग राइड के लिए मैंने जॉन जाम गेट गए थे, उसने वाइजर बदल रखा था आपने देखा, वो वाला ज्यादा सेक्सी लगता है और अच्छा दिखता है वाइजर, पर अब लॉन्ग राइड पे तो वो पहनने। हाँ मतलब अब अर्ली मॉर्निंग राइड करेंगे तो जरूरी है फिर ट्रांसपेरेंट वाइजर के लिए, बहुत जरूरी है। और मेरा वही कैमोफ्लाज वाला वेगा का हेलमेट है और फ्लिप अप हेलमेट है, तो यहाँ पर अपना कैमरा वगैरह रहेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो कैमरा वाले सेक्शन में दिखा दूंगा। और बढ़िया हेलमेट, बेसिक सा हेलमेट है ऐसा कुछ। तो अब राइडिंग पूरे राइड करने की चीज़ें हमने आपको दिखा दी है, पर उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बाइक पर बतानी पड़ेगी, जिसमें से आते हैं हमारे सैडल बैग्स जिसमें सारा सामान रखेंगे हम, एक दो चेन है, बंजी कॉर्ड्स हैं, और जो जो है मैं आपको दिखाता हूँ। तो शुरू करते हैं सैडल बैग से। तो ये दो सैडल बैग्स हैं, एक लेफ्ट और एक राइट का, राइनॉक्स के लिए मैंने, ये ऑनलाइन आप खरीद सकते हो आपको 3500 से 4-5 हज़ार तक, इनका कोई प्राइस एक नहीं रहता, हमेशा बदलते रहते हैं, तो मैंने 3700 रुपये के लिए हैं। और आपको जो भी सामान इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं आपको सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उससे जाकर सामान को खरीद सकते हो और देख तो सकते ही हो। तो ये सैडल बैग्स हैं, आपको एक बार अंदर से खोल के दिखा देता हूँ। पूरे वाटरप्रूफ हैं दोनों, और ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी जगह है इसमें, तो हमारा सारा सामान आ जाएगा इसमें, इनको रखते हैं साइड में। अगली चीज़ ऋषि पाजी दिखाएंगे, अगली चीज़ क्या है, तो अगली ये बंजी कॉर्ड्स हैं, नॉर्मल सी जो बाइक से सामान बांधने के काम आती है, तो ऋषि पाजी की बाइक पर भी एक बैग रहेगा और दो सैडल बैग मेरे रहेंगे, तो सेफ्टी के लिए ये बंजी कॉर्ड्स आगे से हुक आते हैं, नॉर्मल सी बंजी कॉर्ड्स से आपने देख रखी होगी। इसके अलावा एक बहुत खास लॉक है ये बाइक की सिक्योरिटी के लिए, कि रात को जब भी अकोमोडेशन में रुके तो बाइक को सेफ करने के लिए, ऐसा बोल रहा है पर ये कोई को पकड़ के लाएगा वहां से। प्लस ये तो हेलमेट का लॉक है, अगर कहीं जाएंगे और हेलमेट कैरी नहीं करना है तो हम लॉक कर देंगे बाइक से। और ये
सबसे जरूरी चीज दिखा दो। सबसे ज्यादा जरूरी मेरी सी बहुत खतरनाक चीज यहाँ पर ये बोल रहा हूँ मैं, इसे चाकू रखने की कोई जरूरत नहीं है, पर ठीक है अब सबके अपने शौक हैं। नहीं शौक वाली बात नहीं होती भाई, सेफ्टी सेफ्टी के लिए कोई चाकू रखता है क्या? तो मैं निकाल थोड़ी ना रहा हूँ, ऋषि की मम्मी देख रही हो तो नहीं यार मैं, हम लोग को अलाउड रहता है सरदारों को, वैसे अलाउड रहता चाकू रखना, ये वाला नहीं रहता बेटा, ये वाला अलाउड होता है क्या? तो चाकू रख सकते हैं शायद, मैं वो बहुत अलग चाकू होता है उसमें धारी होगी शायद, हमें पता नहीं है, पर सेफ्टी के लिए रख सकते हैं, एक चाकू रख रहे हैं एक डिफेंस में आप रख सकते हो, कुछ यूज तो कर नहीं रहे पर निकाल नहीं रहे, बट एक सेफ्टी के लिए रखते हैं। निकालेंगे नहीं, पूरी कोशिश यही रहेगी कि इस चाकू को निकालना ना पड़े। और इसके अलावा और कुछ राइडिंग में अपना बच रहा है? अपना पंचर किट, हाँ एक पंचर किट ऋषि बाजी ने लिया, आप ही समझा दो उसके बारे में। अरे हाँ ये ट्यूबलेस टायर का पंचर किट है, मतलब काफी इजी है इससे पंचर, नॉर्मल सा पंचर किट है, स्टेप्स में बन जाएगा। ट्यूबलेस टायर में यूं डाल के लगाते हैं और ये, पर ये मेरी गाड़ी में काम नहीं आएगा क्योंकि रॉयल इनफील्ड ट्यूबलेस टायर्स देता नहीं है, तो मैं एक्स्ट्रा ट्यूब कैरी करने वाला हूँ, जो कि बहुत बड़ा लफड़ा होने वाला है अभी, क्योंकि जगह इतनी बची नहीं हमारे पास और ट्यूब कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि पंचर किट के पंचर हो ना हो एटलीस्ट ना हो, मेरा तो हो भी जाए तो बंद कर लेंगे, बट बहुत बुरी बात लगती है रॉयल इनफील्ड की इतनी अच्छी गाड़ी बनी, सब हाईवे की गाड़ी है फिर भी ट्यूबलेस टायर नहीं दिए, तो ठीक है अब एक डिसएडवांटेज है तो ट्यूब कैरी करना पड़ेगा मुझे, अभी लाया तो नहीं हो ट्यूब, पर अभी लेना है हमें बाहर जाके, इस वीडियो के साथ साथ याद दिया अभी, ठीक है। तो ये पंचर किट था, पंचर होगा तो ऋषि पाजी की गाड़ी का जोड़ लेंगे। तो अब राइडिंग का सामान तो हो चुका है ऑलमोस्ट, और बाइक पे भी दो तीन मॉडिफिकेशन किए हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो अभी फिलहाल मैं एक बैग दिखाता हूँ जो मैंने इस ट्रिप के लिए खरीदा है, तो ये बैग है ट्रैवलिंग के लिए मैं लेके आया हूँ, जिसको ऐसे टांग सकते हैं आप, नॉर्मल सा बैग है, अंदर लैपटॉप की जगह है और जिप वगैरह है, और ये इंदौर से ख़रीदा मैंने कोठारी मार्केट से 1000 रुपये का, और इसमें खास चीज़ मुझे ये लगी कि ऐसे तो टांग ही सकते हैं इसको, और इसके अलावा यहाँ पर ये बाहर आ जाता है, तो ये हुक यहाँ पर नीचे लग जाता है और नॉर्मल बैग की तरह भी आप इसे टांग सकते हो, तो ये बहुत अच्छा बैग था तो सोचा बता दूँ आपको। तो ये हो गया हमारा राइडिंग का सामान, बैग बता दिया मैंने आपको, अब तीन चीज़ें आपको बतानी, एक तो कैमरा के इक्विपमेंट जो मैं कैरी कर रहा हूँ, एक हो गया हमारा जो अकोमोडेशन के लिए हमने जो जुगाड़ करी है, और तीसरा कुकिंग। तो अब शुरू करते हैं कैमरा से, तो कैमरा की मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले तो ये DSLR मेरा कैनन M50 है, उसके ऊपर एक माइक लगा हुआ, वो मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि उससे रिकॉर्ड हो रहा है। उसके अलावा मैं एक और कैमरा कैरी करता हूं मेरे साथ, जो कि है GoPro, छोटा सा ये हो गया अपना GoPro। तो ये GoPro के लिए मैंने सेल्फी स्टिक खरीदी है छोटी सी, ये देखो मेरे हाथ में आ रही है इतनी सी छोटी, इसका साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो इससे, इतनी बड़ी हो जाती है, या तो सेल्फी स्टिक के रूप में यूज़ कर सकते हो आप इसे, या इसे आप ट्राइपॉड बना सकते हो, तो टाइम लैप्स वगैरह लेने के लिए बहुत अच्छा है, कहीं पे भी छोटा सा लगा दिया और आप लोग उससे अच्छी अच्छी टाइम लैप्स देख पाओगे। तो अब मैं हेलमेट का सेटअप समझा देता हूँ मेरा पूरा, ये हो गया हेलमेट, इसके ऊपर ये एक्सेसरी होती है जो मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको, तो ये एक्सेसरी है कुछ जो हेलमेट पे यहाँ फिट हो जाती है, और इस पे आगे कैमरा माउंट हो जाता है, ये आप देख सकते हो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 600-700 रुपये के लिए मैंने, थोड़ा महंगा मिल रहा है अपने यहाँ, पर इसकी वैल्यू मेरे हिसाब से 100-200 रुपये से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, पर ठीक है अब इतने का ही मिलता है तो अब लेना पड़ा। ये ऐसे माउंट हो जाएगा हेलमेट पर ऐसा कुछ, और इधर इधर आगे कैमरा लग जाएगा, और फिर ये है उसका माइक जो कि कैमरे से कनेक्ट होकर अंदर ही मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा, ताकि हवा बाहर की अफेक्ट नहीं करे ऑडियो को। तो मेरा कैमरा का सेटअप हो गया, ये केस हो गया जो हेलमेट पर लगेगा, ये माइक अडेप्टर है GoPro का जिससे माइक लगा सकते हो आप। एक और केस ले जा रहा हूँ मैं वाटरप्रूफ केस, क्योंकि हम दमन जा रहे हैं बीच वगैरह पर शूट करेंगे, तो वाटरप्रूफ केस कैरी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बैटरी के दोनों, एक DSLR की बैटरी का चार्जर हो गया एक्स्ट्रा बैटरी से मेरे पास, और एक GoPro का, ये सारी बैटरीज हैं इसमें कैमरे की, ये सारी बैटरीज हो गई कैमरे की, दोनों कैमरे की बैटरीज हैं एक्स्ट्रा। और जो अब चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ बहुत ज़्यादा खास चीज़ है, आपने मेरी वीडियोज़ में अभी तक देखी नहीं होगी, तो ये है ड्रोन, ड्रोन का बैग है ये, इसके अंदर रखा है अपना DJI Spark, मेरे भाई का ड्रोन है, मैंने उससे लिया है इस ट्रिप के लिए, और इस ट्रिप पर आप बहुत सारे बहुत शानदार ड्रोन के शॉट्स देखने वाले हो, तो स्टे ट्यून्ड, बहुत अच्छी सीरीज आने वाली है इस बार, और इसकी भी एक्स्ट्रा बैटरी। तो ये हो गया कैमरे का सामान, अब आती है दो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें, एक तो हो गया अकोमोडेशन हम कैसे कर रहे हैं, दूसरा हो गया कुकिंग। तो सबसे पहले करते हैं अकोमोडेशन की बात, तो अकोमोडेशन की बात करूँ तो सबसे पहले आता है कि हम रहेंगे कहाँ पर,
तो हमने अभी तक जो भी प्लानिंग की है उस हिसाब से हम रहने वाले हैं कैंप में, कैंपिंग करने का सोचा है हम लोगों ने। इसके अंदर एक कैंप है, पूरा पोर्टेबल कैंप है, तो अभी खोल के तो नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वापस पैक करना पड़ेगा, पर आगे वाली वीडियोस में आप इसे देख लोगे। तो ये कैंप है हमारा, इसको यहाँ पर भी कैंपिंग अलाउड होगी, वहाँ पर सेटअप कर लेंगे। अब इसके अंदर सोने के लिए हमने लिए हैं केचुआ के दो स्लीपिंग बैग्स, इस टाइप के स्लीपिंग बैग्स हैं, ये भी एकदम फोल्डेबल है पूरे, तो इसको भी खोल के तो दिखा नहीं सकता पर वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। तो ये दोनों के लिए सोने के लिए, और ये अंदर टॉर्च लटकाने के लिए बेसिक सी टॉर्च है ताकि कैंप के अंदर उजाला रहे थोड़ा। और अब अगली बात करते हैं कुकिंग की, क्योंकि इस ट्रिप पर हम कुक भी करने वाले हैं। सही सुना आपने, हम कुक भी करने वाले हैं। हम स्टोव, गैस और खाने का सामान कैरी कर रहे हैं सब हमारे साथ, एक एक करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो गया ये ट्रैवलर्स स्टोव, ऐसी पैकेजिंग में कुछ आता है ये, मुझे 700 रुपये का पड़ा। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हर सामान का डाल ही दूंगा मैं। तो इसको खोलते हैं तो इसके अंदर एक ये ट्रैवल बैग निकलता है, बैग के अंदर ये स्टोव रखा हुआ है। तो इसको खोल के दिखाई देता हूँ मैं आप लोगों को, कितनी शानदार चीज़ है ये। तो ऐसा कुछ है ये, इसके ये खुल जाते हैं और इसमें लगती है जो गैस वो LPG नहीं लगती है, इसमें लगती है ब्यूटेन, तो वो वाली गैस भी लाएँ हम, उसका कैनिस्टर देना है। तो ऐसा कुछ दिखता है ब्यूटेन कैन का कैनिस्टर, इसको मैं चला के दिखाई देता हूँ आपको। ये कैन हो गई और ये इसमें यहाँ पर प्लग इन हो गई, ये गैस लग चुकी है आप देख रहे हो। अब ये जो है इसकी फ्लेम को कम ज़्यादा करने का है, ये चालू हो गई है, आवाज़ आ रही हो आपको, तो गैस चालू हो चुकी है और लाइटर की भी कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर लाइटर है और ये चालू हो गया गैस, लाइटर है। और इसका हम कुछ भी बर्तन रख के कुछ भी बना सकते हैं, नॉर्मल फ्लेम जितनी तेज है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कम फ्लेम आ रही है, इसको आप तेज भी कर सकते हो। तो बहुत ही गजब चीज़ होने वाली है, इस पर हम खाना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और खाने के सामान की बात करूँ तो उसमें हम लेके जा रहे हैं ये एक नेस्कैफे का लाते, जिसमें सिर्फ गर्म पानी डालना है और कॉफ़ी तैयार हो जाएगी। और फिर हम ये लेके जा रहे हैं कप नूडल्स, इसमें भी बस गर्म पानी डालना है और आपकी नूडल्स तैयार हो जाएगी। इसके अलावा हम लेके जा रहे हैं ये बटर के सैशेस बहुत सारे, और दाल, चावल, चम्मच और डिस्पोजेबल प्लेट्स। और लेकर जा रहे हैं आकाश की रतलामी सेम, जो कि बहुत ज़रूरी है। वो दिन आ चुका है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, तो आज हम फाइनली राइट ले जा रहे हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:10, तो हम लेफ्ट में मुड़ते थे हमेशा और इस बार राइट में जा रहे हैं क्योंकि हमें जाना है इस बार लंबा। कुकिंग विद अनुज के एपिसोड 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हेड शेफ ऋषिराज छाबड़ा हैं। बुरे डाल लो, हाँ डाल दे, लगेगा इतना तो भाई। तो यहाँ से यू टर्न ले रहा हूँ, यू टर्न इसलिए क्योंकि ऋषि की गाड़ी बंद हो गई है, ऐसा फ़ोन आया उसका भी मुझे। क्या हो गया? अरे इसमें किक भी नहीं है यार।